बचपन से ये माँ का सपना था बेटा देश के लिए कुछ तो करे, इसलिए मैंने कबड्डी चुनी। स्टार्ट से मैंने देखा तो कबड्डी खेलना ही देखा, दूसरा गेम नहीं देखा। स्टार्ट तो स्कूल से हुआ, जब तो मैं फिफ्थ में था, स्कूल से चुप चुप के मैं प्रैक्टिस को जाता था। जब मैंने पहली बार वरली में, मुंबई में वरली में बेस्ट प्लेयर लिया व्यावसायिक का, तभी से मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कबड्डी इससे भी अच्छा खेल सकता हूँ। पहले जो था तो कबड्डी इतना प्रोफेशनल नहीं था, नॉर्मली था, लेकिन लेकिन प्रो कबड्डी से स्टार्ट हुआ तो अलग ही ग्लैमर मिला ना। हम उछल जाए, मैं बोनस अच्छा डालता हूँ और मेरा हैंड टच और टो टच बहुत ही अच्छा मारता हूँ, यही तो मेरे सब हथियार है। हमारे कोच साहब ने, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा फिटनेस लिया, इस सीजन में हम बहुत ही अच्छा खेले। वो जो संदीप कुमार जी जो है तो इंटरनेशनल खेलों के लिए डॉक्टर रह चुके हैं, उनका तो एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया है। इस बार डॉक्टर साहब पूरा हम पर ध्यान देकर, हमारे खाने पीने पर ध्यान देकर, हमारे रहने का ढंग, सोने का ढंग है, वो सब सिखा रहे हैं। ना हो सके वो टाइम सवेरे 2 घंटे शाम को 2 घंटे प्रैक्टिस करो, जो कोच बता रहे हैं गलतियां सुधारो वो सुधारो, यही हमारा कहना। और खेलो, खूब खेलो, जो अच्छा खेलेगा वो उसको मौका जरूर मिलेगा, और इंजरी से दूर रहो। दबंग दिल्ली के साथ तो हम लाइफ टाइम जुड़ा रहने चाहते हैं। टीम के ऑनर राधा कपूर मैडम ने, उन्होंने हमें इतना मौका, बड़ा मौका दिया, तो ये मौका हम मिस नहीं करेंगे, और दबंग दिल्ली टीम को जो उनकी इच्छा है वो पूरी करके, और उस टीम के लिए हम जी जान लगाएंगे। हम बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत ही अच्छा हमारा कैंप भी हुआ है, हमारा इस साल हमें सपोर्ट दीजिए, हम सपोर्ट रहेगा तो हम कुछ अच्छा और करेंगे, अच्छा खेलेंगे, जोर से बोल कबड्डी। Here comes the DD, again DD, here comes the DD.